देखिए यहाँ पर ये क्या है कि शाह और मोदी 24 दिन में एक साथ जितना काम कर सकते हैं, राहुल और मोदी एक साथ 20 दिन में उतना ही काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में दो बातें आई कि शाह है और मोदी, ठीक है, ये कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में करते हैं, और राहुल और मोदी, राहुल प्लस मोदी ये कितने दिन कर रहा है, 20 दिन में करता है, ये हमारे पास सूचना आई। और तो शाह और मोदी एक दिन में कितना करते हैं, एक दिन शाह और मोदी एक दिन में कितना करते हैं, 1/24, और राहुल और मोदी एक दिन में कितना करते हैं, 1/20। अब ये कहते हैं कि मोदी एक दिन में, मोदी उसी काम को 60 दिन में करता है, यानी मोदी जो है एक दिन, मोदी 60 दिन में करता है, तो ये एक दिन में कितना करेगा, 1/60 करता है। अब ये हमें पता लग गया कि कौन कौन कितना कितना काम करता है। ठीक है, अब शाह एक दिन में कितना करेगा, जब हमें ये पता लग गया कि शाह मोदी एक दिन में इतना करता है, तो शाह और मोदी दोनों मिलकर कितने करते हैं, एक दिन में 1/24 करते हैं। ठीक है, तो शाह कितना करेगा, शाह जो करेगा 1/24 - 1/60, ये आ जाएगा शाह का एक दिन का काम। ठीक है, देखिए इसको हम हल कर लेते हैं कि 1/24 - 60, तो इसका लघुत्तम कितना आया, 120 आ गया। ठीक है, इसका लघुत्तम कितना आया, 120 आ गया। 120 में 24 का भाग दिया तो कितना आएगा, 5 आएगा, और 60 का भाग दिया तो कितना आया, 2 आएगा, तो 5 - 2 यानी 3/120, और 3/120 को हम काट दें तो 1/40 हो जाएगा ये। ठीक है, 1/40, शाह जो है एक दिन में 1/40 काम करता है, पूरा काम जो है 40 दिन में कर सकता है, ये हमको पता लग गया शाह का। अब हमको जो है देखिए मोदी का एक दिन का काम पता लग गया, शाह का लग गया, अब हम राहुल का एक दिन का काम कितना है, देखिए राहुल और मोदी जो है एक दिन में कितना करते हैं, राहुल और मोदी एक दिन में करते हैं, राहुल और मोदी एक दिन में करते हैं 1/20। ठीक है, और मोदी कितने में करता है, एक दिन में करता है 1/60, तो 1/20 में से 1/60 करा देंगे, तो देखिए ये जो आपका लघुत्तम 60 आया, तो 3 - 1 यानी कि 2/60 काम जो है, या इसको और काटेंगे तो ये करेंगे, ये हो जाएगा 1/30, यानी 30 दिन में राहुल काम करता है, और एक दिन में क्या करेगा, 1/30 करेगा, ये हो गया राहुल का। ठीक है, उसके बाद में शाह 10 दिन काम करता है, शाह 10 दिन में कितना काम करेगा, ये देखना हमको, शाह 10 दिन में कितना काम करेगा, देखिए शाह एक दिन में कितना करता है, 140, एक दिन में शाह 140 करता है, तो 10 दिन में कितना करेगा, 140/100। ठीक है, और मोदी जो है, राहुल जो है एक दिन में कितना करता है, 1/30, देखिए यहां निकाला था ना तुमने, और इसलिए वो 10 दिन में कितना करेगा, कितना करेगा, देखिएगा ना, 10 दिन पहले शाह काम करता है, उसके बाद राहुल काम किया, तो मोदी द्वारा शेष काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, अक्ष दिन कितना समय लगेगा, ये हमको पता करना है। तो देखिए दोनों ने जो है वो मिलकर के कितना काम कर लिया, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के कितना काम कर लिया, देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे हम, अब इसको सरल करेंगे हम, 10/40, 4 का कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ये 10/40 का 1/4 हो जाएगा, प्लस ये 1/30 हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/30 को हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए 1/3 हो जाएगा, तो इसको हम जोड़ेंगे, इसका लघुत्तम कितना आ गया, 12 आ गया, तो ये 3 + 4 यानी 7/12 आ गया, 7/12 काम कौन करेगा, दोनों मिलके कर लेंगे, कौन, शाह और राहुल। ठीक है, दोनों 10 दिन काम करेंगे, तो ये 7/12 काम कर लेंगे, अब कुल काम कितना है, 1, और 1 में से 7/12 को ग्रेड करा देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 5/12, ये 5/12 जो काम है, ठीक है, वो मोदी करेगा। ठीक है, तो उसको कितना समय लगेगा, देखिए मोदी जो है एक दिन में 1/60 काम करता है, तो 5/12 काम करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो 1/60 काम करता है एक दिन में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 60 दिन में कितना करता है, 1 काम करता है, और तो 5/12 काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो हम 5/12 को भाग करेंगे 1/60 से। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, हम नीचे वाली जो संख्या होती है उसको ऊपर वाली से गुणा कर देंगे, यानी 5 × 60 हो जाएगा, 5 × 60 हो जाएगा ये, और इसके नीचे कितना आ जाएगा, ये आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 और 60 को गुणा किया तो कितना आया, 300 आया, 300/12 यानी कि 25 दिन आया, यानी ये जो
मोदी है उस कार्य को 25 दिनों में पूरा करेगा, ये हमारा आया एक क्वांटिटी आ गई, ठीक है, ये क्वांटिटी हमारे पास में आ गई, अक्ष की वैल्यू आ गई, ठीक है, अक्ष बराबर है 25, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ई अक्ष की वैल्यू को यहां ले लेते हैं, ठीक है, अक्ष बराबर 25 हमारे पास में आ चुका है। अब यहां पर क्या कहता है कि अकेले गहलोत अक्ष दिनों में वही कार्य कर सकते हैं, गहलोत जी जो है वो अक्ष दिन में वही कार्य कर सकते हैं, और शेखावत वही कार्य अक्ष माइनस 5 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों एक दिन में कितना करेंगे, देखिए गहलोत एक दिन में कितना करेगा, 1/x करेगा, गहलोत एक दिन में कितना करेगा, 1/x करेगा, और शेखावत करेगा 1/x माइनस 5, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमें पता है 25 है, तो हम इसको यू भी ले सकते हैं कि 1/25 प्लस 1/25 माइनस 5, या 1/25 प्लस 1/20, ठीक है। अब देखिए इसको हम सरल करेंगे, लघुतम लेंगे, तो यह आया 100, तो यह आया 4+5, यानी ये आ गया आपका 9/100 कार्य पूरा करेंगे एक दिन में, ठीक है, एक दिन में दोनों मिलकर 9/100 कार्य करेंगे, ठीक है। तो पूरा कार्य कितने दिन में करेंगे, इसका उल्टा कर दो, 100/9 दिन में करेंगे, ये आपकी क्वांटिटी आ गई, बी क्वांटिटी आ गई, ठीक है। गोलत और शेखावत द्वारा एक साथ लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात करो, 100/9 आ गया, ठीक है। अगले क्वांटिटी पे जाते हैं, अगली क्वांटिटी पे कि इसमें क्या है कि वसुंधरा 30 दिनों में एक काम कर सकती है और पायलट एक काम एक्स प्लस 5 दिनों में कर सकता है। तो यहां पर देखिए वसुंधरा एक दिन में कितना करेगी, 1/30, अब तो सरल हो गया ना, और पायलट कितने में करेगा, 1/5 प्लस एक्स, ठीक है, ये दिन में काम करेगा, ठीक है। अब देखिए हम इसको और आज का हल कर लेते हैं, तो 1/30 का तो 1/30 ही रहेगा, और 1/5 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू 25 है, तो ये भी 1/25 प्लस 5 1/30 हो जाएगी, ठीक है। इसको हम हल करेंगे, लघुत्तम 30 आया, तो यह 1+1 यानी हो गया 2/30, और 2/30 को और आगे हम हल करें तो 1/15 हो गया। तो 1/15 कार्य कौन करेगा, दोनों जो है वसुंधरा और पायलट एक साथ मिलकर के 1/15 कार्य करेंगे एक दिन में। तो पूरा कार्य कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में। ये हमारी क्वांटिटी 2 आ गई, ठीक है, ये हमारी क्वांटिटी 2 आ गई 15 दिन वाली। अब देखिए क्वांटिटी 3, क्वांटिटी एक्स का मान, एक्स का मान तो हमें पता है 25 है, तो ये 25 क्या होगी क्वांटिटी। अब हमारे पास तीनों क्वांटिटी की वैल्यू आ गई, क्वांटिटी जो एक थी, ठीक है, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 और क्वांटिटी 3, ठीक है। क्वांटिटी 1 कितनी थी हमारी, 100/9 थी, क्वांटिटी 2 कितनी है, क्वांटिटी 2 कितनी है, देखिए ये रही 15 दिन है, और क्वांटिटी 3 कितनी है, ये आपकी 25 है। तो देखिए ये जो संख्या है 100/9 में 9 का भाग देंगे तो लगभग 11 आएगा, तो 11 जो है ये 15 से कम है, लेस देन 15, और ये 15 है ये भी 25 से कम है, तो दोनों में लेस देन आएंगे। यहां हम देखते हैं लेस देन में क्या है, बी है, ठीक है, लेस देन में बी है, तो दोनों ही बी और बी होंगे, ठीक है, इसमें बी है तो दोनों ही बी और बी होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहां भी बी है और यहां भी बी है, तो बी और बी दोनों कहां आ रहे हैं, ठीक है, बी और बी देखिए इसमें कहां आ रहे हैं, इसमें बी और बी आ रहे हैं डी में, यहां पर बी और बी आ रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया जिसको हमें क्लिक करना है। आशा है आपको समझ में आ गई होगी, थैंक यू। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब।